द गर्ल डाउनस्टेयर एपिसोड 20 की स्टार्टिंग पिछले एपिसोड से होती है, जहाँ पे जुनतांग और सिया किस कर रहे होते हैं और रोनी उन्हें देख लेती है। और सिया जैसी रोनी को देखती है वो जुनतांग को धक्का मार देती है और वो उसे अपने आप से दूर कर लेती है। जुनतांग भी बहाना मारते हुए कहता है मैं तो कन्वीनियंस स्टोर में जा रहा था, और वो अंदर को चले जाता है। और सिया रोनी को देखते हुए सिर्फ मुस्कुराते ही जा रही थी। जुनतांग अंदर सोच रहा होता है कि आखिरकार उसे हो क्या रहा है। तभी सिया का उसके पास मैसेज आता है कि हम लोग नेक्स्ट डेट के लिए कहां पर जाएं। और ये देख के जुनतांग का मुंह लाल हो जाता है। और इसी के बाद जुनतांग के डैड का भी मैसेज आता है, जिसमें उन्होंने जुनतांग को घर पे बुलाया था क्योंकि उसके मदर का बर्थडे है। और जुनतांग को भी एहसास हो चुका है कि सिया उसे पसंद करती है। इसके बाद हम लोग जुनतांग को उसकी फैमिली के साथ देखते हैं, जहाँ पे वो अपनी मदर का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था। वही हम लोग को जुनतांग की सिस्टर भी दिखाई जाती है, जो कि जुनतांग की तरह ही होती है। जुनतांग के पेरेंट्स उससे पूछते हैं क्या तुम्हारे कोई गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनी कि नहीं बनी, जिस पर जुनतांग कहता है कि उसके पास अभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। हालांकि उसके पेरेंट्स को पता है कि जू उसके ही फ्रेंड है, इसलिए वो उससे पूछते हैं कि तुमने उससे कन्फेस किया कि नहीं किया, क्योंकि जुनतांग काफ़ी समय से जू को पसंद करता है। उसकी बहन भी उसको ताना मारते हुए कहती है तो तुम कब करोगे उससे कन्फेस। जुनतांग कहता है जू अभी काफ़ी ज़्यादा बिजी है क्योंकि उसका पूरा ध्यान स्कॉलरशिप में है और वो मुझे पसंद भी नहीं करती है। इसके बाद हम लोग जुनतांग को उसके खुद के रूम पे देखते हैं, जहाँ पे वो काफ़ी समय बाद आया था। तभी उसके पास सिया का कॉल आता है और वो रिसीव करके उससे पूछता है कि तुमने कॉल क्यों किया, जिस पे सिया कहती है बस मैंने ऐसे ही किया, मुझे बस तुम्हारी वॉइस सुननी थी। जुनतांग कहता है तुमने मेरी वॉइस सुन ली तो अब तुम्हें अच्छा फील हो रहा है, जिस पे सिया हाँ में जवाब देती है। तो जुनतांग कहता है ऐसा क्यों, जिस पे सिया कहती है वो अपनी बकेट लिस्ट की चीज़ें पूरा करना चाहती है। एग्जांपल के तौर पे किसी ऐसे बंदे के साथ बारिश में चलना जिसे तुम पसंद करते हो, डेजर्ट और आइसक्रीम खाना, किसी के प्यार में पड़ना, बिल्ली को पालना, कपल रिंग पहनना, सोशल मीडिया पे फोटोज अपलोड करना और डेट के लिए एक पार्क में जाना, बिना मास्क और कैप पहने एक दूसरे का हाथ पकड़ना और एक बहुत बड़े फ्लावर बुके के साथ कन्फेस करना, बिल्कुल एक मूवीज की तरह है जिसमें बहुत सारे लोगों ने उन्हें घेर के रखा हो। भरी हुई गली में वो चिल्ला के मुझसे पूछेगा क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। आखिर में सिया कहती है कि तुम्हें ये सारी बातें याद रखनी होगी। ये सुन के जुनतांग हैरान हो जाता है और उसे समझ आ जाता है कि सिया उसे पसंद करती है। इसके बाद जुनतांग विंडो के पास खड़ा होता है, तभी उसके पास जू का मैसेज आता है उसकी मदर को हैप्पी बर्थडे विश करने के लिए। और हमें थोड़े से सीन के लिए जुनतांग और जू की इकट्ठे मिडिल स्कूल की फोटो दिखाई जाती है। इसके बाद कहानी फिर से वहीं से शुरू होती है जहां से हमारा फर्स्ट एपिसोड स्टार्ट हुआ था। और ये सारे ग्रुप में मिलके पार्टी कर रहे होते हैं और जुनतांग गोजो से पंजे में हार जाता है। और इसके बाद जुनतांग बाहर जाता है कुछ सामान खरीदने के लिए। और आप लोग को फर्स्ट लेके अभी तक जितना हुआ आप लोगों को स्टोरी पता लग गई होगी कि इनके बीच में क्या क्या हुआ था और सिया और जुनतांग का कैसा रिलेशन था। और जाते वक्त जुनतांग सिया को देखता है और सिया जुनतांग को देखती है। अब ये दोनों बाहर आ जाते हैं और ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। बिल्कुल फर्स्ट एपिसोड वाला ही है ये किस है, कुछ नया नहीं है। लौटते समय ये दोनों आइसक्रीम खाते हुए आ रहे होते हैं। सिया जुनतांग से कहती है कि उन्हें आइसक्रीम यहीं पे ख़त्म कर लेना चाहिए क्योंकि उनके पास सिर्फ दो ही आइसक्रीम थी जो कि वो दोनों खा रहे हैं। इसके बाद सिया जुनतांग के हाथ को पकड़ने लगती है। जुनतांग कहता है इतने करीब मत आओ मेरे। सिया कहती है तुम मुझे अपना हाथ पकड़ने क्यों नहीं देते हो। जुनतांग कहता है जब रोहानी ने हम दोनों को किस करते हुए देखा तो तुमने तो मुझे ऐसे फेंक दिया जैसे कि मैं कोई पराया हूँ। सिया जुनतांग को खंभे से लड़ाती है और कहती है तुम तो मुझे थोड़ा सा भी अटेंशन नहीं दे रहे थे और जब मैं तुम्हें किस कर रही थी तब भी तुम मेरे पे ध्यान नहीं दे रहे थे और तुमने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया उस वक्त। इसके बाद सिया जुनतांग को किस करते हुए कहती है तुम्हें बस किस पे ध्यान देना है और मेरे बारे में सोचना है। जुनतांग ने अपना मन बना लिया और जैसे ही वो अपना डिसीजन बताता वो पहले ही रुक गया। और इसके बाद जुनतांग जू को नोटिस करता है जो उन्हें किस करते हुए देख रही थी। और इससे हमें पता चलता है जो फर्स्ट एपिसोड में हमें किस दिखाया था असल में उसने सिर्फ एक किस नहीं डबल किस करी थी, जो कि हमें पास सीन दिखाने लग गई ये लोग। और इसके बाद में भी हमें दिखाया जाएगा जू का कन्फेस
जिसमें क्या होता है वो हमें नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो आई होप आप लोग ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और लाइक भी यार जरूर कर देना, कमेंट तो यार बेशक करना ही चाहिए। तो तब तक के लिए सयोनारा और बाय।